नमस्कार, जीएनआई न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। भारतीय किसान मजदूर दलित यूनियन सेवा संस्थान बाराबंकी के जिला कार्यालय डीएम आवास के सामने बाराबंकी में जिले के पदाधिकारियों ने किया राष्ट्रीय अध्यक्ष राधेलाल यादव का किताबें भेंट कर स्वागत। नववर्ष के अवसर पर जनपद की महिला प्रकोष्ठ की जिला उपाध्यक्ष तस्लीम खान, महिला जिला सचिव शोभा यादव, नजमा बानो, नगर सचिव बाराबंकी आदि पदाधिकारियों ने नववर्ष पर राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई देते हुए कहा कि हम लोग संगठन के लिए हमेशा समर्पित रहेंगे। जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव, जिला प्रभारी आफ्ताब आलम का भी किताबें भेंट कर स्वागत किया गया। इस मौके पर जिला प्रचार मंत्री गया प्रसाद यादव, नगर अध्यक्ष मोहम्मद कलीम उर्फ मुनिया, नवाबगंज तहसील अध्यक्ष बलराम यादव, महेंद्र यादव, पप्पू सिंह, बाडू यादव आदि लोग उपस्थित रहे। आइए देखते हैं दिनेश कुमार वर्मा की एक रिपोर्ट। नियुक्त किया गया है राधेलाल यादव जी, 25 तारीख में उनका स्वागत हुआ, बहुत भव्य स्वागत हुआ सुखलाई में, और उनके लिए हम लोग बहुत बहुत प्रार्थना करते हैं, दुआएं देते हैं कि इससे भी आगे वो बढ़ें। वो गरीबों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, किसानों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, दलित मजदूर किसान यूनियन के लिए वो लड़ाई लड़ते हैं। धन्यवाद। अगर मैं आम जनता को, अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम आज जनपद के बाराबंकी डीएम आवास के सामने जिला कार्यालय पर भारतीय किसान मजदूर दलित यूनियन सेवा संस्थान के जिला इकाई के पदाधिकारी, जैसे कि जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव, जिला प्रभारी आफ्ताब आलम, तहसील अध्यक्ष बलराम भाई, नगर अध्यक्ष बाराबंकी कलीम उर्फ पुनिया जी, जिला सचिव शोभा यादव, जिला उपाध्यक्ष तस्लीमन खान, नगर सचिव नाजमा बानो, नगर उपाध्यक्ष महेंद्र यादव, नगर न्याय पंचायत अध्यक्ष कपरिया पप्पू सिंह, और समस्त जनपद के देश प्रदेश के सभी गरीब किसान भगवानों को हम इस नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, कोट कोट बधाई देते हैं। और साथ साथ ये भी बताना है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राष्ट्रीय और प्रदेश की पंचायत इलाहाबाद प्रयागराज में लगने वाली 8, 9, 10, 3 दिन का प्रोग्राम है। सभी ब्लॉक अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सभी साथियों से अनुरोध है कि 7 जनवरी को रैली निकाल कर अपने अपने स्टेशन से बैठ कर इलाहाबाद के लिए प्रस्थान करें। जय जवान, जय किसान।